रायपुर में स्टंटबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं और यहां पर 18 से 25 साल के महज युवा सड़कों पर रफ्तार का कहर भर रहे थे। बाइक से स्टंट करने का वीडियो जब वायरल हुआ तो कई सवाल खड़े होने लगे। स्टंट दिखा रहे बाइक सवारों की चपेट में कोई भी आ सकता था, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर युवा स्टंटबाजी कर रहे थे। हालांकि पुलिस अफसर की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इस पर FIR दर्ज होनी चाहिए। और सेंट्रल मॉल में रेप की घटना सामने आई है, जहां महिला के साथ रेप हुआ है। साफ सफाई करने वाली महिला के साथ रेप हुआ। हालांकि अब पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी और इस पर कार्रवाई भी करने की बात सामने आ रही है, लेकिन पूरे मामले को पहले जानने की कोशिश होगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और महिला ने अपनी आप बीती बताई है पुलिस को। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिरकार अधिकारी द्वारा उसके उसके ऊपर बलात्संग का आरोप लगाया गया है और जो जेंट्स टॉयलेट की सफाई के दौरान ये घटना कारित करना वो बता रही है। आरोपी चिरंजीत वेस्ट बंगाल के निवासी हैं, जो कि उनके ही कार्यस्थल पे उनके सीनियर के पद पर पदस्थ हैं। उनके द्वारा बलात्संग की और जान से मारने की धमकी दी गई है। 376 और 506 IPC के तहत मुकदमा कायम कर लिया गया है और आरोपी चरणजीत को अरेस्ट कर